टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप शुरू करते हैं प्राइम शतक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर पीएम मोदी ने रखा विकसित भारत के 25 साल का ब्लूप्रिंट, दिया 5 प्रण का संकल्प। लाल किले से मोदी का संबोधन, मेरे भीतर का दर्द है, कहा कहूंगा महिलाओं के अपमान पर भावुक हुए मोदी, कहा उनके सम्मान का संकल्प ले। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर छलका पीएम मोदी का दर्द, जय विज्ञान के बाद दिया जय अनुसंधान का नारा। राजस्थान में बेकाबू ट्रेलर ने 9 श्रद्धालुओं को रौंदा 5 की मौत, राम देवरा पर भंडारे के लिए रुके थे, हाईवे पर मची चीख पुकार। पीएम मोदी ने लाल किले पर 81 मिनट भाषण दिया। पीएम मोदी ने कहा, हमें पंच प्रण लेना होगा, तभी आजादी के दीवानों के सपने साकार करेंगे। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बताया बड़ी चुनौती, बोले देश को दीमक की तरह कर रहे खोखला। आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं बार लाल किले पर फहराया ध्वज। तमिलनाडु के बीजेपी उपाध्यक्ष गिरफ्तार, भाजपा नेता राम लिंगम भारत माता पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। देश के कई राज्यों में मॉनसून मेहरबान, ज्यादा बारिश के मामले में एमपी का देश में 5वां स्थान, तमिलनाडु पहले पर। वीरता पुरस्कारों की घोषणा, नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को कीर्ति चक्र, 8 जवानों को शौर्य चक्र, सेना के डॉग को मरणोपरांत सम्मान। लीकेज वाले कारम डैम से खाली हुआ खतरे का पानी, 16 गांवों में संकट टला, अब नर्मदा किनारे अलर्ट, आगरा मुंबई हाईवे पर ट्रैफिक शुरू। एनसीबी के पूर्व निदेशक समय वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ किया मामला दर्ज, गोरेगांव पुलिस ने SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। श्रीलंका के समुद्री सीमा में चीनी पोत के प्रवेश से भारत को खतरा, सोनोवाल बोले हर चुनौतियों के लिए तैयार। लाल किले की प्राचीर से बोले पीएम मोदी, ये गांधी, बोस, सावरकर और अंबेडकर को याद करने का सही वक्त। प्रयागराज में बुलडोजर पर निकाली तिरंगा यात्रा, मेजा के खानपुर के ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। आगरा में रात 12 बजे शुरू हुआ आजादी का जश्न, तिरंगी रोशनी से जगमगा उठा आसमान, देशभक्ति के गाए गीत। गाजियाबाद में थर्मल स्कैनर ड्रोन से निगरानी, इससे कपड़े के अंदर छिपे हथियार और विस्फोटक भी नजर आ जाएंगे, NCR में हाई अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में बदमाश और पुलिस में मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, नोएडा के टॉप 10 अपराधी की सूची में शामिल।
स्वतंत्रता दिवस पर यूपी में जश्न। सीएम योगी ने फहराया तिरंगा, शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। 52 सेकंड के लिए लखनऊ थमा। युवक ने पिता और दो बहनों का काटा गला, मौत। 1 महीने पहले परिवार से बेदखल कर दिया गया था, प्रॉपर्टी के लिए दिया वारदात को अंजाम। जालौन में शान से फहराया गया तिरंगा, डीएम ने कलेक्ट्रेट में, एसपी ने पुलिस लाइन में फहराया तिरंगा, तिरंगे के महत्व को बताया। हरदोई में आजादी का जश्न, हर तरफ लहराया तिरंगा, कलेक्ट्रेट में डीएम ने किया झंडारोहण, बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, मां बेटे की मौत। भाई और बेटी की हालत नाजुक, राखी बांधकर घर लौट रहा था परिवार। राष्ट्रगान पर राजधानी लखनऊ 1 मिनट के लिए थम गई, 5 मिनट पहले बजा सायरन, 8:55 पर राष्ट्रगान गूंजा, 12 लाख तिरंगे से सजा शहर। चंदौली के एसपी को मिला सिल्वर मेडल, बेहतर कानून व्यवस्था के लिए हुए चयनित, आमजन में कुशल व्यवहार के लिए है चर्चा। कुशीनगर में सेना के अफसरों ने प्रेमिका की मां की हत्या की, शादी के लिए दूसरा रिश्ता देखने से था नाराज, दोनों पर दर्ज है धोखाधड़ी का मुकदमा। अलीगढ़ आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर डीएम ने अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में किया ध्वजारोहण, कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया पौधारोपण। औरैया में शिक्षक पर लगा छात्र को बंधक बनाने का आरोप, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। बरेली में आजादी के अमृत महोत्सव पर राजस्व मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार ने निकाली तिरंगा यात्रा, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर दिया देशभक्ति का संदेश। गोंडा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा, तिरंगा पद यात्रा में भारत माता की जय, वंदे मातरम से गूंज उठा पूरा गांव। कानपुर में धूमधाम से मनाया गया 76वां स्वतंत्रता दिवस, पुलिस लाइन में डीएम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने 75 महिलाओं का किया सम्मान, जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। सुल्तानपुर में 76वां स्वतंत्रता दिवस पर शान से लहराया तिरंगा, जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने कलेक्ट्रेट में झंडा फहराया। वाराणसी में हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर उर्दू अरबी नसवा के मैनेजर मोहम्मद दानिश के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। अंबेडकर नगर में मनाया गया आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस, जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। अयोध्या में हाईवे पर भीषण सड़क दुर्घटना, ट्रक और ट्रॉला पीछे से टकराई, हादसे में 2 घायल, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में पुलिस की गिरफ्त से चोर हुए फरार, चोर को थाने से फरार हो जाने पर थाने में मची अफरा तफरी। वाराणसी में पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने फहराया झंडा, उत्कृष्ट सेवा के लिए कई पुलिस कर्मियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। चंदौली एसपी ने 75 पुलिस कर्मियों को सौंपा प्रशस्ति पत्र, हेड कांस्टेबल रूप नारायण सिंह के कार्यों की सराहना, एसपी ने कहा सामान्य स्थिति करने के लिए आगे बढ़े।
भदोही में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी गोली लगने से घायल, पिस्टल और चोरी की बाइक बरामद। गाजीपुर आजादी के जश्न में डूबा, दुल्हन की तरह तैयार हुई लहुरी काशी, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन जुलूस में शामिल हुए राज्य मंत्री। कानपुर में महानंदा एक्सप्रेस में आरपीएफ जीआरपी की छापेमारी, 12 नाबालिगों को अगवा कर ले जाने की मिली थी सूचना, 7 संदिग्ध हिरासत में। महाराजगंज में बेतवा में गिरी अर्टिगा कार, युवक को बचाने में हुआ हादसा, कार सवार 6 लोग बाल बाल बचे। कानपुर देहात में आजादी पर जश्न, डीएम ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित, बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। उत्तराखंड में आजादी के जश्न की धूम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ध्वजारोहण, दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। उत्तराखंड में पेपर लीक का बिजनौर कनेक्शन, फंस रहे अधिकारी, अब कंपनी की बारी, आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन से जुड़ रहे तार। चारधाम यात्रा मार्ग पर आज से क्यूआर कोड लगे, पे और खाद्य पदार्थों की बिक्री, बोतल जाम करने के लिए 14 सेंटर। उत्तराखंड में बिधौली में बदमाशों ने ग्रामीणों पर झोंके फायर, बाल बाल बचे प्रधान, 2 दिन में दूसरी बार किया हमला। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड हाकम सिंह को भाजपा ने पार्टी से निकाला, कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। उत्तराखंड के सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा उत्तराखंड देव भूमि ही नहीं वीर भूमि भी है। उत्तराखंड में अजीबोगरीब कारनामे, उत्तराखंड बोर्ड में 10वीं की छात्रा को 76 की जगह दिए 28 अंक, जांच में हुआ खुलासा। उत्तराखंड के हरिद्वार में सैलानियों का उमड़ा सैलाब, हाईवे हुआ जाम, उमस भरी गर्मी ने निकाला पसीना। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में हाकम का खजाना देख दंग रह गई एसटीएफ, होटल होम स्टे और सेम के बगीचे का है मालिक। उत्तराखंड में रिमझिम बारिश के साथ हुआ स्वतंत्रता दिवस का स्वागत, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। उत्तराखंड के बिधौली में दबंगों ने झोंके फायर, एसएसपी के आदेश पर चौकी इंचार्ज सहित पूरे स्टाफ को हटाया। उत्तराखंड के कोटद्वार में कार के आगे पीछे लिखा था पुलिस, बज रहा था हूटर, रोकने पर शराब की 25 पेटियां हुई बरामद। उत्तराखंड के रुद्रपुर में संपर्क क्रांति की चपेट में आकर युवक की मौत, आत्महत्या की आशंका। सियाचिन ग्लेशियर में 38 साल बाद शहीद लांस नायक चंद्रशेखर का मिला शव, 1984 ऑपरेशन मेघदूत में दबे 19 जवान। उत्तराखंड में नहीं थम रहा है कोरोना की रफ्तार, प्रदेश में मिले कोरोना के 255 नए संक्रमित, हरिद्वार जिले के एक मरीज ने तोड़ा दम। जेके रोलिंग को जान से मारने की धमकी, सलमान रुश्दी पर हुए हमले की निंदा की थी, पाक एक्टिविस्ट बोला अगली बारी तुम्हारी है।
तालिबानी हुकूमत में अफगानिस्तान के हाल बजट में 65% की कटौती, एक साल में 2106 लोगों की हत्या। अमेरिकी युवा का यूरोप की तरफ पलायन, क्राइम गन कल्चर से त्रस्त, एक साल में यूरोपीय देशों में इनकी संख्या 45% तक बढ़ी। अगस्त में सूख जाती है तुर्की की सॉल्ट लेक, पानी घटने से झील नमक के रेगिस्तान जैसा दिखता है, पैदल चलने से होता है फायदा। मिस्र की सेफीन चर्च में आग से 41 की मौत, लपटों में घिरे लोग, चर्च की खिड़कियों से जान बचाने के लिए आवाज देते रहे, 14 घायल। इमरान ने भारत की विदेश नीति को सराहा, रैली में दिखाया एस जयशंकर का वीडियो जिसमें वो रूस से सस्ता तेल खरीदने पर जवाब दे रहे हैं। नैंसी पेलोसी के बाद अमेरिकी सांसद पहुंचे ताइवान, चीन आग बबूला, भेजे 22 फाइटर जेट, 6 युद्धपोत। रूस और चीन के साथ जंग के मुहाने पर खड़ा है अमेरिका, हेनरी किसिंजर ने दी गंभीर चेतावनी। इमरान खान का दावा, नवाज शरीफ पाकिस्तान लाने की है तैयारी, कहा इसलिए मुझे हटाया गया। सुधर रही सलमान रुश्दी की तबीयत, हटाया गया वेंटिलेटर, गिरफ्तार आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष। सरकारी बैंकों के होम लोन कम महंगे हुए, मई से रेपो रेट 1.40% बढ़ा, पर होम लोन 2% महंगे। मारुति स्विफ्ट SCNG लॉन्च, 30.90 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज मिलेगा, कीमत 7.77 लाख रुपए से शुरू। ओला इलेक्ट्रिक कार से उठेगा पर्दा, फ्रीडम डे के अवसर पर कंपनी 3 नए इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट पेश करेगी। छूट मुक्त कर व्यवस्था की होगी समीक्षा, वित्त मंत्रालय इसे बेहतर बनाने की कर रहा है तैयारी। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा राज्य सरकारें अपनी क्षमता से बाहर मुफ्त सौगात न बांटे। भारत की नारी शक्ति, आकाश की ऊंचाई पर देश में कुल पायलट की 15% महिलाएं। ४७ से अब तक 590 गुना महंगा हुआ सोना, आजादी के समय 89 रुपए था जो अब 52,000 के पार निकला। HDFC और HDFC बैंक का मर्जर प्रोसेस आगे बढ़ा, CCI ने भी दी विलय को मंजूरी। स्पाइसजेट के यात्रियों को एयरपोर्ट से घर तक छोड़ने की सुविधा शुरू, नहीं करना होगा टैक्सी का इंतजार। FBI निवेशक अगस्त में भी कर रहे खरीदारी, अब तक 22,452 करोड़ का किया निवेश। पुजारा की शानदार पारी पर झूमी बेटी, सोशल मीडिया पर 4 साल की बेटी का वीडियो वायरल, रॉयल कप में सक्सेस के लिए लगाया 2 शतक। जिम्बाब्वे पहुंचने के बाद तैयारी में जुटी टीम इंडिया, लक्ष्मण की देखरेख में टीम इंडिया ने की ट्रेनिंग, 18 अगस्त को खेलना है पहला वनडे।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बाबर आजम को सितारा ए इम्तिया। उमेश यादव के डेडली यॉर्कर्स ने पिच से उड़ा दिया गर्दा, बोल्ड होते ही बैटर के उड़े होश। भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति के रंग में रंगे कोहली और अनुष्का, अपने घर पर लगाया राष्ट्रध्वज। पाक गेंदबाज की गेंदबाजी एक्शन पर भड़के स्टोइनिस, आउट होने पर भूले मर्यादा, ऐसा इशारा कर किया कि लगा भयंकर आरोप। विटोरी पोवेल सहित 20 और खिलाड़ियों ने दी लीजेंड्स क्रिकेट लीग में खेलने की अनुमति। एमएस धोनी ने दी खास सलाह और हरभजन सिंह ने की कमाल की गेंदबाजी, टर्मिनेटर ने सुनाई 2011 विश्व कप की कहानी। विराट कोहली के फॉर्म पर पूर्व पाक स्पिनर का आया बड़ा बयान, कहा टीम ने भरोसा किया तो प्रदर्शन करना होगा। भारतीय टी20 क्रिकेट टीम में मोहम्मद शमी से बेहतर तेज गेंदबाज है रिकी पोंटिंग, ने कहा टीम इंडिया में इस समय टी20 में भुवनेश्वर कुमार। ईशान खट्टर स्टारर पिप्पा का टीजर आउट, 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध पर बेस्ड है फिल्म, 2 दिसंबर को होगी रिलीज। भाईजान के लिए पूजा हेगड़े संग रवाना हुए सलमान, 4 दिनों तक लद्दाख में करेंगे रोमांटिक सॉन्ग शूटिंग। लाल सिंह चड्ढा के बाइकॉट पर मोना सिंह बोली, आमिर खान ये डिजर्व नहीं करते, पिछले 30 साल से एंटरटेन कर रहे हैं। हॉलीवुड कॉमेडियन का निधन, टेडी रे ने 32 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, पॉज विद सेम जे सीरीज से हुए थे मशहूर। सोनू सूद ने डॉगी के साथ शेयर किया वीडियो, अपने डॉगी को प्लेफुल अंदाज में ट्रेन करते हुए नजर आए एक्टर। इंडियन नेवी से मिले कार्तिक आर्यन, जवानों के साथ बनाई रोटियां, डांस किया, गेम्स खेले और तिरंगा भी फहराया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ हैशटैग बाइकॉट ब्रह्मास्त्र, ट्रेलर में जूते पहन मंदिर में दिखे रणबीर, ट्रोलर्स बोले एक्टर ने हिंदू धर्म का अपमान किया। सिद्धू मूसेवाला के पिता का बड़ा बयान, बोले बेटे की हत्या में करीबियों का हाथ, जल्द नामों का खुलासा करूंगा। हर घर तिरंगा कैंपेन से जुड़े शाहरुख खान, परिवार संग सेलिब्रेट किया आजादी का जश्न, मन्नत पर फहराया तिरंगा। लाल सिंह चड्ढा की तारीफ कर बुरे फंसे ऋतिक रोशन, आमिर खान की फिल्म के बाद अब विक्रम वेघा को भी किया जा रहा बायकॉट। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।